नमस्कार, मैं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं सागर टीवी news.com। सागर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। प्रशासनिक अमला और तमाम राजनीतिक लोग इस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि इतने लंबे लॉकडाउन के बाद भी यहां पर जो है पॉजिटिव मिला है कोरोना का एक मरीज। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं सागर संसदीय क्षेत्र के सांसद राज बहादुर सिंह। सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सागर टीवी न्यूज़ पर। जी नमस्कार करता हूँ तारिक जी। सर, लगातार लॉकडाउन था और उसके बाद भी यहाँ पर सागर में पॉजिटिव मरीज मिला है कोरोना का, तो क्या कहना है सर? देखिए, आज जैसा आपका चैनल भी इस बात का कह रहा है कि कोरोना पॉजिटिव सागर में मिला है, तो अभी प्रशासनिक अमले से भी बात हुई है, उनने भी इस बात को पुष्टि की है कि सागर में एक सदिचरी जो हमारी एक वार्ड है, उस वार्ड का एक व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव है। लगातार अलर्ट पर है पूरा प्रशासन, लगातार पूरे जो 100% जो कुछ कर सकता है प्रशासन लगातार काम कर रहा है, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक पेशेंट जो सामने आया है उसके बारे में भी जानकारी ली थी, तो पता चला है कि जबलपुर से व्यक्ति 7-8 दिन पहले शिफ्ट सागर में हुआ है और 2-3 दिन से आइसोलेशन वार्ड में था, लेकिन आज रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसको जो हमारी व्यवस्था है कोरोना पेशेंट के लिए उसमें शिफ्ट किया गया है। लेकिन फिर भी मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि ये कोई प्रशासनिक चूक नहीं है, लगातार प्रशासन उस पर। सर, जिस तरीके से बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में एक कोरोना एक अलग से सेंटर बनाया गया है वहां पर, तो वहाँ पर क्या दिशा निर्देश दिए गए सर मेडिकल प्रबंधन को, मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को आपकी तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए गए सर? नहीं, समय समय पे जो हमारा मेडिकल हमारा जो बीएमसी है उसमें इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं और ये पूरा संभाग में यदि कोई भी इस प्रकार की घटना होती है तो ये संभाग का सेंटर है और वहाँ पूरी की पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज तक ईश्वर की कृपा से प्रशासन के अलर्टनेस से, सभी जनप्रतिनिधियों के सक्रियता से आज तक कोई इस प्रकार की घटना हमारे सागर में पूरे जिले में नहीं आई थी, लेकिन आज एक पेशेंट के मिलने से निश्चित तौर पर थोड़ा सा एक प्रशासन को और हम सब लोगों को एक सोचने का और अवसर मिला है कि इसके लिए और क्या हम लोग बेस्ट कर सकते हैं, और बीएमसी और हमारा पूरी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी की पूरी तैयार हैं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। सर, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में देखा ये जा रहा था कि जो नर्सें हैं, जो डॉक्टर हैं, वहां पर जो किट जो होती है डॉक्टर की, पीपीई जो किट है और ग्लव्स हैं, उसकी वहां पर कमी भी महसूस हो रही है। तो सर, डॉक्टर आप, क्योंकि एक मरीज मिला है तो उसके बाद उन जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स हैं, उनके सुरक्षा के लिए आप कोई राज्य शासन से कोई बात की है सर आपने? नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं निश्चित तौर पर जो शुरुआती दौर था उस समय निश्चित तौर पर कुछ चीजों की कमी थी, लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। आज बहुत सी चीजें जो समय समय पे बीएमसी के द्वारा या अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा जिन चीजों की मांग की गई थी वो चीजें उपलब्ध करा दी गई हैं और अब ऐसी कोई कमी की कोई सूचना हम लोगों के पास नहीं। सर, संसदीय क्षेत्र का एक सिरोंज विधानसभा भी है, वहां पर भी एक मरीज मिला है पॉजिटिव, तो इस सब चीजों को लेके आपके ऊपर निगाह है, आपकी प्रशासन से बात हुई होगी, तो क्या फीडबैक मिल रहा है सर अब? नहीं, देखिए, ये ऐसी चीजें हैं कि प्रशासन और सब लोग पूरा 100% काम कर रहे हैं, कहीं कोई इस चीज में कमी नहीं है कि कोई प्रशासन की तरफ से कमी है या अन्य व्यवस्थाओं में कोई कमी है। हो क्या रहा है कि जो जिसको हम दुर्भाग्यपूर्ण कहना चाहते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो अपनी हिस्ट्री छिपा रहे हैं, कभी कोई किन्हीं संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में रहने के बाद भी सागर में बाहर से आए हैं, वो अपनी हिस्ट्री को छिपा रहे हैं या कहीं और अन्य जगह से लोग शिफ्ट कर रहे हैं सागर, तो इस वजह से ये समस्या खड़ी हो रही है। बाकी प्रशासन जो कुछ कर सकता है, एक एक व्यक्ति की निगरानी में प्रशासन लगा हुआ है। सागर संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए सांसद जी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, खासकर सिरोंज और सागर के क्षेत्र के लोगों के लिए? देखिए, जो मैसेज की जो बात है,
जो बार बार प्रधानमंत्री जी की अपील आ रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अपील आ रही है, मैं वही अपील आप सबसे करना चाहता हूं कि इस वायरस का कोई इलाज नहीं है, इसका केवल इलाज है हम घरों में रहें, सोशल डिस्टेंस का हम पालन करें, और यदि किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हमारे पास है तो उसको उचित माध्यम से उन तक हम पहुंचाएं। और यही सावधानी यदि पूरे भारतवर्ष के लोग रखेंगे, अपना नैतिक कर्तव्य समझेंगे, अपना राष्ट्रीय कर्तव्य यदि इस चीज को समझेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपदा कोरोना की जो आपदा हमारे बीच में है उससे हम जीतेंगे। सर, एक किसानी को लेके भी एक बड़ा बात है कि यहाँ पर इस वक्त जो है कटाई हो चुकी है, गेहूं की बम्पर पैदावार बताई जा रही है, तो इसका जो सोसाइटी है या जो खरीद केंद्र बनेंगे उसको किस तरीके से खरीद फरोख्त की जाएगी सर गेहूं की? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं और 15 तारीख से इसके जो भी केंद्र बनाए गए खरीदी केंद्र, उन सेंटर पे 15 तारीख से खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि अब पुरानी स्थिति नहीं है, ये संकट का समय है, किसानों से लेके प्रत्येक व्यक्ति आज परेशान है, लेकिन हम हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं हमारे किसान भाइयों से, चूंकि हमारे संसदीय क्षेत्र में किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि प्रशासन जो व्यवस्था बनाए उसका आप अक्षरशः पालन करें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कितना ही समय लग जाए लेकिन जब तक किसानों के पास एक एक दाना होगा तब तक ये सेंटर चलेंगे और किसी भी किसान का अनाज घर में नहीं रहने देंगे और उनका पूरा का पूरा एक एक अनाज का दाना सरकार खरीदेगी। लेकिन भीड़ से हमें बचना है, यदि हम भीड़ लगाएंगे तो हमारी जो लगभग 15-20 दिन से जो हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं उसमें हमें कमी आएगी, उसको फिर लॉकडाउन का समय बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जिसका जब नंबर आए, आपको मैसेज किए जा रहे हैं, हर सेंटर से आपको किसानों को मैसेज की व्यवस्था सरकार की तरफ से हुई है, इसलिए सीमित संख्या में किसान मंडी पहुंचे, सीमित संख्या में आपके जो सोसाइटी गेहूं की खरीद कर रही है उसमें पहुंचे, और आपके लिए काफी समय, मुख्यमंत्री ने तो यह तक कहा है कि हमें 3 महीने खरीदना पड़ेगा तो हम 3 महीने गेहूं खरीदेंगे, इसलिए आपसे विनती है कि आप समय का जरूर ख्याल करें और भीड़ न लगाएं। सांसद जी, आप सागर टीवी न्यूज से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद तारिक जी। सागर संसदीय क्षेत्र के सांसद राज बहादुर सिंह लगातार अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से विनती कर रहे हैं कि उनकी ये कह रहे हैं कि भीड़ से बचें, लगातार अपने घरों में रहें, किसी भी संक्रमित व्यक्ति के आजू बाजू भी ना भटकें, अपने घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी ये कहा कि अगर 3 महीने तक भी उन्हें सरकार को गेहूँ खरीदने पड़े तो वो खरीद करेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, सागर टीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और ये वीडियो आप हमारा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए सागर टीवी न्यूज़, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का ऑप्शन आता है थोड़ा उसको भी टनटनाइए ताकि हमारा और आपका रابطہ बना रहे, यानी हमारी तमाम खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। शुक्रिया।